वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति में इजाफा करते हुए मंगलवार को एक शानदार और तेज हथियार का सफल परीक्षण किया। भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSM का सफल परीक्षण किया। QRSM मिसाइल ने हवा में मौजूद एवं मानव रहित विमान को निशाना बनाया। DRDO ने QRSM मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया है। यह मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन की मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है। QRSM मिसाइल की लंबाई 98 फीट है। सबसे खतरनाक है इसकी गति। ये मिसाइल 4.7 मैक की गति से दुश्मन पर हमला करता है, यानी 5,798 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है, मतलब एक सेकंड में करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इतनी गति से हमला करने का मतलब है कि दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। QRSM मिसाइल किसी भी मौसम और किसी भी जगह से दागी जा सकती है। इसे एक बार दाग दिया जाए तो इसे दुश्मन किसी भी तरह से रोक नहीं सकता है, न ही इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित कर सकता है, क्योंकि इसमें दुश्मन के रडार को फेल करने की क्षमता है। यानी दुश्मन के रडार में जब तक यह दिखेगा तब तक टारगेट ध्वस्त हो चुका होगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO को मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। राजनाथ ने कहा कि DRDO ने QRSM मिसाइल लॉन्च करके एक मील का पत्थर हासिल किया है। यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाला हथियार है। Minus 3, 2, 1, now, missile launch.